हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ एक हॉल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने केशव के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ उनके कपड़े हैं और कुछ ज्वेलरी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करती हूँ। तो पहले मैं आपको उनकी ज्वेलरी दिखा देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट हार जो मैंने केशव के लिए लिया है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट नेकलेस है, इसमें का ब्लैक भी केशव के लिए मैंने लिया था, आप लोगों ने देखा होगा। और ये भी मैं जो है एक वीडियो में, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, यही पहनाया था। तो बहुत ही खूबसूरत सा सेट है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा। ये देखिए, बहुत ही प्यारा स्टोन में है। इसके साथ जो इसके इयररिंग्स हैं वो इसके ये इयररिंग्स हैं, तो बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं। बहुत ही अच्छा चोकर सेट है, बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसके दो कलर ले लिए थे, एक ब्लैक और एक ये मेहरून। पहले ब्लैक लिया था, उसके बाद मैंने ये मेहरून सेट लिया था। तो बहुत ही प्यारा सा है, तो फर्स्ट हमने ये लिया था। ये देखिए, ऐसे देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा है, आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक ये था। तो ये देखिए, ये मैंने एक और चोकर हार लिया है, बहुत ही खूबसूरत सा है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा चोकर हार है। मैंने बिल्कुल अभी तक मैंने केशव को नहीं पहनाया है, तो जब भी मैं पहनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, मुझे बहुत प्यारा लगा। तो ये एक चोकर हार, अभी मुझे इनके लॉन्ग हार बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं। तो ये देखिए, ये हैं इसके इयररिंग्स, तो बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं, जैसे मैंने केशव को ये पहना रखा है, मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ, जैसे कि ये पहना रखे हैं, तो इसमें मैंने ये अटैच करके इसके सेट के साथ के पहना दिए हैं। तो ये भी इयररिंग्स जो है मैं इसमें अटैच करके और इस तरीके से पहना दूंगी, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दूसरा नेकलेस इनका ये था। थर्ड मैंने इनके लिए एक और लिया है, तो ये देखिए, ये एक सेट है, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके की एक माला है, इसके साथ इयररिंग्स नहीं है, ऐसी सी एक माला है। इसमें की मैंने दो माला ली हैं, एक ये वाइट है और एक मैंने ली है ये ब्लैक कलर की, ये देखिए। तो ये टी शर्ट वगैरह के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने पहनाई है इसको एक आधी बारी, तो बहुत ही प्यारी लगती है। टी शर्ट के ऊपर डाल दो, हल्की सी माला है, इसमें इयररिंग्स नहीं आए हैं। तो मैं इसको अधिकतर जो है वो जब केशव को टी शर्ट पहनाती हूँ तो मैं तभी पहनाती हूँ, तो बहुत ही प्यारी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ माला है, इसमें ऐसे पेंडिंग है, सेम ऐसी ही जो है वो माला जो है नेक पीस, ये औरंगाबाद में भी मिल रहा था, जिस टेम्पल में हम लोग गए थे शिव जी के, उसमें भी ये मिल रहा था, पर मैं पहले से ही ले चुकी थी तो मैंने वहाँ से नहीं लिया, एग्जैक्ट ऐसे ही मिल रहे थे वहाँ पर। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी मैं जो है वो टी शर्ट वगैरह पे पहना दो, तो इसलिए मैंने ये दो लिए हैं। और मैंने लिए हैं दो माला राधा कृष्ण जी के लिए, तो मैंने आपको दिखाया था मेरे पास राधा कृष्ण जी भी हैं, तो उनके लिए मैंने ऐसी ये मटर माला ली है। तो ये बिल्कुल प्लेन ऐसी मटर माला है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने केशव को भी ये पहना के देखा था, तो अभी मैंने किसी को भी नहीं पहनाई है, एकदम न्यू है, अभी एक आध दिन पहले लेकर आई हूँ मैं। तो ये बहुत ही प्यारी है, सोवर सी कान्हा जी पे और राधा जी पे बहुत अच्छी लगेगी। केशव के ऊपर भी टी शर्ट पे ठीक लग रही थी, क्योंकि इसकी डोरी काफ़ी बड़ी है तो उनको भी आ जा रही थी, पर मैं एक आध और ले आऊँगी, ऐसी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये माला लेकर आई थी मैं। और मैं आपको बहुत प्यारी सी एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये एक चुटीला लेकर आई थी। एक्चुअली महाराष्ट्र में भी यहाँ पर कुछ लोग जो है वो चुटीला लगाते हैं इस तरीके का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा चुटीला है। ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही प्यारा है। इसमें देखिए, इस तरीके से पीछे जो है वो क्लिप दे रखा है, तो इसको ऐसे फंसा दीजिए और एक क्लिप जो है वो इसमें यहाँ पे दे रखा है सेंटर में, तो दो क्लिप दे रखे हैं। आप, मैंने ये केशव के लिए लिया था कि कभी इनके जो है वो राधा जी बनाऊंगी तो चोटी बनाऊंगी तो काम में आएगा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। इसमें देखिए, ऐसे नीचे तो बहुत ही प्यारा सा ये लटकन लटक रहा है, घुंघरू है, खूब पूरा बज रहा है और ये बहुत हैवी है। तो मैंने सोचा था कि ये केशव के लिए मैं ले रही हूँ, इनको मैं लगाऊंगी, पर क्योंकि केशव के जो बाल हैं उसमें ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, तो मैं इसको किसी ना किसी तरीके से ज़रूर यूज़ करूँगी।
बहुत ही प्यारा लगा है मुझे। कभी भी मैं राधा रानी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, या तो मैं कमरबंद में या इनकी पग में, जैसे भी मैं है इसको जरूर यूज़ करूंगी। तो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा ये। तो एक ये था, और मैंने लिए हैं ये कुछ, आप देख सकते हैं ये चप्पल हैं, ये गोपाल जी की। तो ये मैंने ऐसी तीन ली हैं, मोजरी है एक, ये देखिए ये मोजरी है, तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी छोटी छोटी सी मोजरी हैं, ये देखिए। लड्डू माधव कहीं घूमने जाएंगे तो ये मोजरी उनके लिए इसीलिए मैं ले आई हूँ, इनके पास में रख दूंगी मैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ये मोजरी है, मैं आपको ऐसे हाथ पे रख के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये मोजरी है। ये एक मोजरी है और ये दो पेयर जो हैं वो एक जैसे हैं। तो अभी तो देखती हूँ मैं, न्यू ईयर पर जो है वो मैं उनको जब अच्छे से तैयार करूँगी तो मैं उनके आगे ये रख दूँगी। अभी तो मैंने यूज़ भी निकाला भी नहीं है, आप लोगों के सामने पैकेट खोल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी है। तो ये दो इस तरीके के हैं और एक वो है। तो ये था उनका ज्वेलरी और कुछ मोजरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ उनके लिए जो मैंने कपड़े लिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़ों में मैंने इनके लिए अभी जो है वो नेकर ही लिए हैं, सिर्फ टी शर्ट वगैरह के नीचे पहनाने के लिए। तो देखिए एक ये नेकर है, बहुत ही प्यारा सा है, थोड़ा सा केशव का बड़ा आ गया है इसका जो ये कमर का साइज़ है, ये इनके थोड़ा सा लूज़ है। तो एक मैंने जो है वो ये लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। पिंक कलर की टी शर्ट के नीचे मैंने सोचा था कि पहनाऊंगी, पिंक के नीचे जो है वो, सॉरी पिंक टी शर्ट के नीचे येल्लो नेकर अच्छा लगता, प्लस इसमें जो है ये इसकी पाइपिंग दे रखी है तो ये इसमें बहुत सुंदर लगता, यहाँ फ्लावर बना है। तो बहुत ही प्यारा सा ये नेकर है, ये मैंने अभी तक इनको नहीं पहनाया है। और सेकंड नेकर जो है वो इनका, ये देखिए ये इस तरीके का कुछ डिवाइडर टाइप का है, यहाँ से जो है आप बांध सकते हैं, पर ये जो है वो टाइट होने वाला नहीं है। हाँ ये है कि अगर ये बड़ा होगा तो आप ये इसको डोरी खोल के इनकी कमर में जो है वो पीछे ले जाकर और इस तरीके से ऐसे करके और पीछे नॉट लगा सकते हैं तो ये टाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये इसमें यहाँ पर इलास्टिक दे रखी है जिसके वजह से ग्रिप अच्छी बनी रहती है, पैरों से निकलता नहीं है ये। तो ये बहुत ही प्यारा है, मैं अंदाज से लेकर आई थी ये, मैं लेकर नहीं गई थी, केशव को डीमार्ट से लाई थी तो इसलिए ये कुछ बड़े आ गए हैं और कुछ ठीक आ गए हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मुझे। इसी में का एक मैं ये ब्लू कलर का लाई हूँ, ये देखिए सेम ऐसा ही है ये ब्लू कलर का, ये भी बहुत प्यारा सा है। इसमें भी सेम, ये एक्चुअली मुझे लग रहा है लड़कियों के जो डिवाइडर होते हैं ये कुछ उस तरीके का है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं चार पांच उनके लिए नेकर लेकर आई थी। एक ये देखिए ब्लैक कलर का और ब्लू कलर में है, बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें भी ये सेम डिज़ाइन है पर ये थोड़ा सा इनके कमर पर ढीला है, तो मैंने इसको पहनाया था तो मैंने इसमें वही जो मैंने आपको बताया प्रोसेस मैं पीछे करके टक कर दिया था। तो एक इनके लिए मैं ये नेकर लेकर आई थी, ये एक्चुअली मैंने पहनाया था इसलिए थोड़ा सा जो है वो आप देख रहे होंगे इसमें रिंकल्स से हो रहे हैं। तो ये वही वाले पैटर्न का है जो मैंने आपको पिंक और येल्लो दिखाया था, ये वाले पैटर्न का, ये देखिए इसमें के दो लाई थी। तो ये तो फिर भी ठीक है, पर ये रेड वाला ऑरेंज ऑरेंजिश कलर में है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा आ गया है। तो अब डी मार्ट में इस टाइम तो कुछ भी कपड़े वगैरह चेंज नहीं हो रहे हैं, वरना मैं चेंज कर लेती जाके। तो ये काफ़ी बड़ा है पर मैं इनको ये सोते टाइम पहना देती हूँ, दिन में तो मैं नहीं पहनाती हूँ पर रात में पहना देती हूँ। तो एक ये नेकर था, तो मैं इनके लिए पांच नेकर लेकर आई थी, ये देखिए सॉरी ये दो, और ये पांच। तो मैं इनके ये पांच नेकर लेकर आई थी, बहुत ही खूबसूरत से आप देख सकते हैं सारे ही कलर बहुत ही डिफरेंट हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये पांच इनके लिए नेकर लेकर आई थी। एक मैं इनके लिए ब्लैंकेट लेकर आई हूँ, अभी थोड़ा सा ठंडा वेदर होने वाला है मुंबई में,
जनवरी के टाइम में हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो हम लोग भी हल्का सा जो है वो ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, बहुत ही हल्का सा, मुझे तो काफ़ी ठंड लगती है। तो ये देखिए इस तरीके का ये ब्लैंकेट, अब बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर में, इस पर ये क्या बना हुआ है, मिफी, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, बस ये ऐसे ही है पूरा, ऊपर से ऐसे है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए ऐसा। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक ब्लैंकेट है, और ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है, बहुत कोजी सा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो एक मैंने इनके लिए ये लिया था। तो फ़िलहाल तो मैंने यही शॉपिंग की थी, तो आपको कैसा लगा आज का शॉपिंग हॉल वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक किए नहीं जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आपके पास, जिससे मेरे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के जाते रहें, वरना आपको पता नहीं चलेगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ केशव का ये लुक शेयर किया था, तो मैंने उसी दिन ये वीडियो भी शूट कर लिया था। तो आपको ये केशव का हथफूल बोलेंगे ये कैसा लगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, और मुझे ये मतलब आइडिया भी बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरीके से जो है अगर इसको यहाँ पर स्टिक कर दें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, रिंग की तरह और हथफूल दोनों का काम कर रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के और उनकी अच्छी अच्छी सी ज्वेलरी जो है वो बना सकते हैं। अब मैंने बनाई तो नहीं है, पर ये आइडिया है जो कि मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया, मेरे सडन दिमाग में आया तो मैंने देखा, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए केशव कितने आराम से बैठे हुए हैं, ये मेरे पास दिन में ऐसे ही बैठे रहते हैं, जब इतना तैयार होते हैं तो मैं उतना कम लेकर आती हूँ, पर वैसे मैं अपने साथ ही बिठाती हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केशव की तरफ से भी आप सबको राधे राधे, बाय बाय।